पायल बजाती चली हो कहाँ, दीवाने थे प्यार है तुमको दर पर्दा हम जान गए। दोस्तों फिल्म 69 की है, मतलब 1969 की फिल्म है। फिल्म को बन के करीब 53 साल हो चुके हैं, तो मान लीजिए आज हम फिल्म के 50 साल बाद यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको वो लोकेशन दिखा रहे हैं जो इसी जगह पर रिकॉर्ड हुई थी। यहीं पर अलग अलग सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों एक फिल्म है जिसका नाम है बड़ी दीदी। बड़ी दीदी फिल्म 1969 की है, मतलब करीब फिल्म को बन के 53 साल हो चुके हैं। तो उस फिल्म के अंदर जितेंद्र जी हैं और नंदा जी हैं, तो उनका एक सॉन्ग था पायल बजाती चली है कहाँ, दिल थाम कर खड़े हैं हम यहाँ। तो दोस्तों यही सॉन्ग जितेंद्र जी का और नंदा का यहाँ पर शूट किया गया था। और ये जो रेलिंग देख रहे हो ना, मैं आपको ये करीब से दिखा देता हूँ थोड़ा, ये वाली पत्थर की रेलिंग, मतलब ये 50 साल पहले भी ऐसी थी और ये आज भी ऐसी ही दिख रही है। दोस्तों 50 साल की बात नहीं है, ये मकबरा बन के तो 350 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो 50 साल तो फिर भी कम ही टाइम है। तो उस फिल्म के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि करीब 50 साल बाद आज हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर बहुत सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। आइए दोस्तों पहले हम आपको यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये है इसका एंट्री गेट। जैसे ही आप औरंगाबाद में आते हो और अगर आप बीबी का मकबरा विजिट करना चाहते हो तो आप वहाँ से एंट्री टिकट लेंगे और यहाँ से अंदर आएंगे, जिसका टिकट 25 रुपया है। जैसे ही आप गेट से एंट्री मारेंगे आपको ये खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलेगा मकबरे का। दोस्तों तो बीबी के मकबरे पर यहाँ पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फव्वारा लगाया गया था, फिलहाल वो फव्वारा अभी काम नहीं कर रहा है और टाइम पहले से भी काम नहीं कर रहा है। उस चीज़ को हम कैसे बता रहे हैं, जितेंद्र जी का वो गाने का सीन रिकॉर्ड किया गया था, वो लोग दोनों नीचे खड़े हैं। अगर हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे ना, वो लोग यहाँ पर खड़े होकर डांस कर रहे हैं। गोविंद जितेंद्र जी कुछ ऐसी हैं और नंदा जी उनके सामने बैठी हुई हैं। और बैकग्राउंड में ये दिख रहा है दोस्तों, जहाँ पर वो लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं उसके पीछे भी ये वाला रेलिंग है जो आप इधर देख रहे हो, यही रेलिंग उधर भी लगा हुआ है। बैकग्राउंड में उनके वो रेलिंग दिख रहा है। फिल्म की एक्ट्रेस थी, आज तो वो इस दुनिया में नहीं रही हैं और वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं, लेकिन जितेंद्र जी बूढ़े हो गए हैं, वो अभी हैं। तो वो लोग यहाँ पर आए होंगे करीब 53 साल पहले, 503 बिफोर 53 ईयर्स अगो वो लोग इधर आए थे और उन्होंने वो सॉन्ग यहाँ पर रिकॉर्ड किया था, पायल बजाती चली हो कहाँ, दिल थाम कर बैठे हैं हम यहाँ। दोस्तों अगर ये सॉन्ग आपने अभी तक नहीं सुना हो तो आप एक बार सुन लें और उसके बाद वीडियो देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों हम आपको 53 साल के बाद वो गाने की शूटिंग लोकेशन दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि गाने में वो जो आप मीनार देख रहे हो ना दोस्तों, यहाँ पर चार मीनार बनाई गई हैं बड़ी बड़ी मकबरे के चारों तरफ में, तो उनके बैकग्राउंड में वो भी दिखती हैं। मतलब जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो वहाँ पर सीढ़ी है, तो उस सीढ़ी के पास में भी वो वहाँ पर ऐसी रेलिंग के पास डांस कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर जाएंगे। दोस्तों मौसम भी एक्चुअली बहुत खूबसूरत हो रहा है, बारिश के टाइम के जैसा मौसम है, धूप भी नहीं है और हम पहुँचे हुए हैं बीबी के मकबरे पर। दोस्तों देखिए क्या खूबसूरत जगह है दोस्तों, और किस वक्त इसको बनाया गया था, कैसी खूबसूरती है। और पीछे दोस्तों मीनारों के पीछे खूबसूरत पहाड़ों का एक व्यू है। दोस्तों यार वो क्या वक्त था जब उन्होंने, आजम शाह ने अपनी अम्मी जान के लिए इसको बनवाया होगा, जब उनकी इसके अंदर उनकी कब्र भी है, हम आपको अभी वो भी दिखाएंगे। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी जगह है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो कितने बड़े बड़े पार्क हैं दोस्तों इधर घूमने के लिए, आप इन पार्कों में भी जाके बैठ सकते हो, घूम सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। और ये मीनार है, मैं मीनार के बाजू में खड़ा है, चलिए मैं आपको मीनार की ये गैलरी भी घूम के दिखा देता हूँ। दोस्तों ये गैलरी है मीनार की, जो बीबी के मकबरे पर हम देख रहे हैं। दोस्तों देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत जगह है दोस्तों, 350 साल हो चुके हैं बनके इसको। और जब आप उधर से आते हो तो उधर से आने के बाद यहाँ से ये आपको सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों से चढ़ के आप ऊपर यहाँ पर आके पहुँचते हो, और उसके बाद आप देखोगे कि ये है मकबरे का गेट यहाँ पर, और इसके सामने भी एक खूबसूरत फव्वारा चलता था। आइए दोस्तों बाजू में, यहाँ पर मकबरे के बाजू में शायद ये मस्जिद बनी हुई है, अभी हम इसको भी देखेंगे।
औरंगाबाद में आके बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब हम इसका एक बार राउंड मारेंगे चारों तरफ से। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हम देखेंगे एक मस्जिद है इधर, मॉस्क लिखा भी है, क्या बात है। किसी वक्त यहाँ पर भी नमाज पढ़ी जाती होगी, अभी तो है भी नहीं, थोड़ा पढ़ ले। द मॉस्क इज बिल्ट ऑन द रेज प्लेटफॉर्म टॉप टू इट इज़ वेस्ट, इट इज़ बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाई निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद। भाई इसको बाद में बनाया गया था, 18 मतलब के इसको बनाने के करीब 200-300 साल बाद में यहाँ पे एक मस्जिद बनवाई थी जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने, और ये भी एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इसकी भी बात करेंगे तो 200-300 साल पुरानी हो चुकी है, और ये इसके पीछे का व्यू है यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ से विज़िट करा के आपको दिखाएंगे कि नीचे का कैसा व्यू है। ये देखिए यहाँ पर भी एक गेट है, लेकिन वो एंट्री गेट बंद है। मकबरे के चारों साइड में ऐसा ही व्यू है, लेकिन जब हम ये वाला व्यू देख रहे हैं ना, तो अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पर ना एक ऐसी जगह बनाई गई है, मतलब वहाँ पे नीचे देखने के लिए। ये मेन गेट है यहाँ के, इस गेट के सामने वाला ये वाला गेट है, और यहाँ पर वो दोस्तों उन लोगों ने सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। वो लोग देखिए इधर बैठे रहते हैं, नंदा जी और जितेंद्र इधर बैठ के गाना गाते हैं। और ये जो आप ये यहाँ पर स्टेयर्स देख रहे हो ना, दो जो स्टेप देख रहे हो सीढ़ी के, ये उनके पीछे दिखते हैं। तो ये बाकी जगह पर स्टेप नहीं है, ये सिर्फ यहीं पर है। तो वो जब यहाँ पर बैठ के, इस जगह पर बैठ के वो लोग गाना गा रहे हैं, देखो यहाँ पर, और बैकग्राउंड में नंदा जी के ये जगह भी दिख रही है, ये जो आप देख रहे हो ना। देखिए मैं डिज़ाइन को जूम करके दिखाता हूँ, ये जगह आप देख पा रहे हो, अब से बनी 53 साल पहले फिल्म में इस जगह पर बैठ के दोस्तों डांस किया गया था, और यहाँ पर वो लोग आए थे शूट करने के लिए। जैसे मैं आपको बताया, जितेंद्र और नंदा जी इन जगहों पर वो सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था। मैं आप अभी वो लोकेशन ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर यू नो परफेक्टली आपको बता पाऊँ, लेकिन आप ये पार्क देख के, ये पेड़ देख के समझ सकते हो कि इन्हीं किन्हीं गलियों में, इन्हीं किन्हीं रास्तों में, इसी पार्क के अंदर वो सॉन्ग रिकॉर्ड होता है, और पीछे ये बीबी का मकबरा आप देखने के लिए मिलता है। पर दो भाई बैठे हैं, भाई आपका नाम? अर्जुन भाई। और आप? अशोक भाई। न्यानुशोक। और आप? अर्जुन भाई। तो दोनों भाई हमें मिले और हमें बहुत अच्छा लगा यार इनसे मिलके भी। आप कहाँ के हो भाई? बीड़ के। ये कहाँ पर पड़ता है? बीड़ सिटी है। हाँ, महाराष्ट्र में। हाँ, जिला है बीड़। अच्छा अच्छा, उधर कुछ है भाई फेमस घूमने के लिए? हाँ, है ना। क्या है उधर? बहुत बड़े मंदिर है, पुराने मंदिर है। हाँ मैं मंदिर की भी वीडियो बनाया, मुंबई के 4-5 बड़े बड़े मंदिर, आप देखना कभी मेरे चैनल पर। कभी उधर आएंगे तो आपसे उधर भी मिलेंगे। आपके वीडियो मस्त लगा, आपने जो बोल दिया इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री हमको मालूम है अभी आपने बताई तो। अरे वाह, थैंक यू। इसकी वजह से आपको पूछा मैंने आपके यूट्यूब चैनल का नाम। चलो भाई, मैंने हमेशा अपनी तारीफ ना खाली कमेंट्स में ही सुनी है। बहुत लोग, अगर आप कमेंट पढ़ोगे ना भाई, बहुत लोगों का प्यार मिलता है। बड़े बड़े बेटा बेटा करके बोलते हैं कि भाई आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, आज आप सामने बोल दियो तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दोस्तों एक वक्त था करीब 53 साल पहले के, यू नो जितेंद्र जी और नंदा इन्हीं पार्क के अंदर यू नो वो अपना शूट करके गई थी, और पायल बजाती चली हो कहाँ, दिल थाम कर खड़े हैं हम यहाँ। तो दोस्तों वो सॉन्ग यहीं पर यू नो इसी एरिए में शूट हुआ था। ये जो आप देख रहे हो मकबरा, उनका बैकग्राउंड होता है ये, और ये जो यहाँ पे कुछ आम के झाड़ खड़े हैं उनके पीछे ये आम के झाड़ भी दिखते हैं दोस्तों। तो इसी जगह पर, इन्हीं इसी एरिए में, इसी मकबरे के पास करीब 53 साल पहले बॉलीवुड का सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था। दोस्तों नंदा जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जो लोग उनके फैन थे, जो लोग उनकी वीडियो देखते थे, उनको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और सच बताऊं तो मुझे भी यार यू नो अलग अलग जगह देखना हमेशा से बहुत पसंद है, नई नई जगह देखना और दिखाना बहुत पसंद है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये जगह आपको पसंद आई हो,
हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना, और कोई ऐसी ही लोकेशन हमें कमेंट करना, हम आपकी बोली हुई वीडियो भी जल्दी ही बनाएंगे। दोस्तों कैसी लगी ये लोकेशन? अगर मुझे बताने से कुछ रह गया हो दोस्तों तो आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊँगा। कुछ भी आपको पूछना हो किसी भी चीज़ के बारे में तो आप पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों ये जगह को बन के करीब 360 साल हो चुके हैं, तो 360 साल कितना होता है यार। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इधर उधर से टूट भी गया है, लेकिन फिर भी वो यादें वो आज भी ऐसे ही हैं। दोस्तों ये जो जगह है ना दोस्तों, ये मोहब्बत की जगह है। ये आजम शाह ने अपनी अम्मी जान के लिए बनवाई थी। ये ताजमहल से कम नहीं बोलता हूँ मैं इसको, बिकॉज वो उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनवाया था और ये उन्होंने अपनी अम्मी जान के लिए बनवाया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जहाँ पर खड़ा होकर ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कमेंट देंगे, अपना प्यार देंगे। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर कमेंट्स, फॉर लव, फॉर लाइक। बस दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, खुश रहें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। लव यू गाइस।